जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नागरिकता संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, संसद के इसी सत्र में बिल को पेश करने की तैयारी। नए कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाइयों के लिए खुल जाएंगे भारत के दरवाजे। नागरिकता के लिए अब भारत में 1 से 6 साल तक रहने की अनिवार्यता, इसके लिए 12 साल तक रहने की बाध्यता इससे पहले थी। नागरिक संशोधन बिल का कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने किया विरोध, बताया असंवैधानिक। नागरिकता बिल पर घुसपैठियों के खिलाफ शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, विधेयक पेश होने के बाद लेंगे हम फैसला। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विपक्ष पर वार, निराधार है धर्म के आधार पर विधेयक लाने का आरोप लगाना। एनआरसी के विरोध में गुवाहाटी विधानसभा में जमीन पर लेटकर विधायकों ने किया प्रदर्शन, सरकार पर तानाशाही का लगाया आरोप। असम को लेकर बुंगाई गांव में छात्रों का प्रदर्शन, शहर में स्कूली छात्रों ने निकाला मार्च। मॉब लिंचिंग के मौजूदा कानून में बदलाव की तैयारी, कानून में बदलाव पर सुझाव देने के लिए बना दी गई कमेटी। कमेटी ने 6 बिलों को दी मंजूरी, एससी एसटी आरक्षण 2030 तक बढ़ा, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को भी मिल गई मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट से पी चिदंबरम को जमानत, देश से बाहर जाने की पाबंदी, केस पर बयान देने पर रोक। पी चिदंबरम को 106 दिन बाद मिली जमानत, पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम का ट्वीट, सच की हुई जीत। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का आरोप, तिहाड़ जेल में आतंकवादी की तरह चिदंबरम से आया गया पेश। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर टिप्पणी पर अधीर रंजन ने मांगी माफी, कहा मेरे बयान से ठेस पहुंची है तो मुझे खेद है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी की पूछताछ, औद्योगिक प्लांट के लिए जमीन आवंटन में गड़बड़ी का मामला। रेलवे की घटी हुई कमाई पर रेल मंत्री पीयूष गोयल का जवाब, सैलरी और सामाजिक दायित्वों में रेलवे का बड़ा फंड। राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ निर्मला सीतारमण की जीएसटी दरों में रियायत की उठाई मांग। दिग्विजय सिंह का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा घटा जीएसटी कलेक्शन, राज्यों के सामने कर्मचारियों को वेतन देने का बड़ा संकट। कांग्रेस ने पीएम पर लगाया फिजूल खर्ची का आरोप, दिग्विजय सिंह बोले बड़े बड़े इवेंट्स में पानी की तरह पैसा बहाया सरकार ने। छत्तीसगढ़ के नारायणपुरा में आईटीबीपी के 7 जवानों की गोली मारकर जवान ने खुद आत्महत्या की, 6 की मौत हुई, 2 घायल। घायल जवानों को रायपुर किया गया एयरलिफ्ट, छुट्टी को लेकर विवाद होने पर खूनी संग्राम। हैदराबाद रेप केस के आरोपियों को अदालत ने पुलिस रिमांड में भेजा, 10 दिनों तक पुलिस को मिली कस्टडी। हैदराबाद रेप कांड के खिलाफ स्वाति मालीवाल का राजघाट पर अनशन जारी, बोली पुलिस की लाठियों से नहीं डरेंगे। हैदराबाद में सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई को पुलिस ने हिरासत में लिया, सीएम हाउस पर प्रदर्शन करने की कोशिश। हैदराबाद गैंगरेप पीड़िता की पहचान उजागर होने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से मांगा जवाब। प्याज की कीमत से रोने पर मजबूर हुए लोग, दिल्ली में 100 रुपए प्रति किलो की दर पर पहुंचा प्याज। जयपुर में 2 गुना हुआ प्याज का दाम, 50 रुपए में बिकने वाला प्याज 100 रुपए के भाव बिका। कोलकाता में जबरदस्त उछाल के साथ 130 रुपए तक पहुंचा प्याज, दुकानदारों का दावा बिक्री हुई कम। मुंबई में प्याज की कीमत में लगी आग, खराब क्वालिटी के प्याज का भाव भी 80 के पार। पटना की सब्जी मंडियों में आसमान पर पहुंचा भाव, 90 रुपए किलो प्याज की बिक्री, लोग बेहाल परेशान। गाजियाबाद में 5 लोगों की मौत के मामले में आरोपी राकेश वर्मा गिरफ्तार, कारोबारी ने सुसाइड नोट में राकेश वर्मा को बताया था जिम्मेदार। मेरठ में 4 साल के मासूम का शव नाले से बरामद, अपहरण कर हत्या, तंत्र मंत्र में हत्या का शक। यूपी के मुजफ्फरनगर में नकली नोट के साथ 3 गिरफ्तार, करीब 60,000 के नकली नोट बरामद। लखनऊ में गैंगरेप पीड़िता ने सीएम से की इच्छा मृत्यु की मांग, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से परेशान। अमरोहा में 2 पक्षों के बीच लाठी डंडों से मारपीट, फसल काटने को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त भिड़ंत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फरमान के बाद हरकत में जिला प्रशासन, शामली जिले के 5 किसानों पर पराली जलाने पर केस दर्ज।
रामपुर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को दबोचा। 48 घंटे पहले हत्या के मामले में था ये मुख्य आरोपी। नोएडा में गाड़ियों के शीशे तोड़कर चोरी करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, दो बदमाशों को लगी गोली। चिन्मयानंद धमकियों और वसूली के मामले में गिरफ्तार पीड़ित लड़की को मिली जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मिली राहत। आगरा में कोचिंग से निकली लड़की को जीप से अगवा करके गैंगरेप किया गया, तीन आरोपियों की पहचान। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।